अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। स्वागत है आपका अकोला 24 न्यूज में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के सदर जनाब हामिद हुसैन साहब। तो सर, आपका अकोला 24 न्यूज में स्वागत है। शुक्रिया। सर, देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से जमात जो है तो ज़रूरतमंद रोज़दारों के लिए किटों का जो है तो तकसीम का इंतज़ाम करती है, तो इस साल कितनी किटों को जो है तो तकसीम किया गया है? जमात इस्लामी अकोला जो है हर साल रमज़ान के शुरू में ही पूरे अकोला शहर में सर्वे करके जो मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रमज़ान के हिसाब से रमज़ान राशन किट फराहम करती है। शुरू शुरू में हम लोगों ने ज़रा कुछ कम लोगों को ये फराहम किया था। इस साल हम लोग 750 फैमिलीज़ को ये रमज़ान राशन किट फराहम कर रहे हैं। सर, ये 750 किट जो है तो एक ही एरिया में तकसीम की जाती है या पूरे शहर में इसका जो है तो निज़ाम रखा गया है? नहीं, ये हमारे जमात के सिस्टम के लिहाज से हमने अकोला को 4 जोन में तकसीम किया है। मशरक़, मग़रिब, शुमाल और जनूब, चारों जोन में हमने अलग अलग इसके ज़िम्मेदार बनाए हैं। और ये चारों इलाक़ों में, अकोट फैल का इलाका, नायगांव का इलाका, इंदिरा नगर का इलाका, इधर मगरबी जोन में भगतवाड़ी, खैर मोहम्मद प्लाट, मुजफ़्फ़रनगर, हमजा प्लाट, अंबिका नगर वगैरह तक, और ख़ुद यहाँ इस तरफ का जो सेंट्रल अकोला है जहाँ यहाँ पर मुजफ़्फ़रनगर है, नया बैतपुरा है और तकिया, इस तरह के इलाक़े हैं, वहाँ भी हम लोग तकसीम करते हैं। खदान पे, खदान का जो इलाका है वो, और शिवनी तक हमारी रमज़ान किट तकसीम होती है। तकरीबन पूरे शहर में जो है तो इसको तकसीम किया जाता है पूरे शहर में। जी जी, तो कितने सालों से सर जमात इस काम को अंजाम दे रहे हैं? वैसे जमात इस्लामी तो शुरू से ही इस तरह के कामों को अंजाम देती है। न सिर्फ ये कि रमज़ान राशन किट, बल्कि जब से जमात इस्लामी कायम हुई, आज जमात इस्लामी को कायम हुए 75 साल हो गए हैं, यानी 75 ईयर्स, 75 साल किसी जमात को कायम होना एक बड़ी बात है। तो शुरू से ही जमात इस्लामी इस तरह का गरीबों और ज़रूरतमंदों के इंतज़ाम के सिलसिले का काम करती रहती है। जमात के पास एक बैतुल माल का निज़ाम है, न सिर्फ अकोला जमात में, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में 2000 मकामात पर काम करती है। जिस तरह अकोला में हमारा यूनिट है, इस तरह पूरे हिंदुस्तान में 2000 मकामात पे हमारी यूनिटें हैं। और सब जगह जमात ने बैतुल माल क़ायम किया है, जहाँ पर ज़कात, सदक़ात, दीगर इयानतें, डोनेशन हम लोग जमा करते हैं। तो ये काम, इस तरह का ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करना जमात शुरू से ही कर रही है। रमज़ान तो खैर एक मौका होता है, लेकिन रमज़ान के अलावा भी जमात इस्लामी की मकामी यूनिटें, ख़ुद हमारी अकोला यूनिट जो हैं, वो मुस्तकिल ज़रूरतमंदों की मदद का काम करते रहती है। किट के अंदर क्या क्या सामान दिया जाता है सर? किट में रमज़ान के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि एक फैमिली को जिसमें 4-5 लोग हैं तो रमज़ान में कितने कितने सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस मुनासिबत से हम लोग वहाँ उसमें गेहूं का आटा, चावल, तेल, शक्कर, दाल, पोहे, नमक, मसाला, पेन खजूर, शरबत बनाने के लिए, इफ्तार के लिए शरबत, रूह अफ़ज़ा वगैरह, तो इस तरह समझिए कि 18-20 आइटम रहते हैं जो रमज़ान में एक फैमिली के लिए, सहरी अफ्तार के लिए काफ़ी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उस रमज़ान किट में रहती है जो हम फराहम करते हैं। सर, किट का मकसद किन परिवारों को जो है तो पहले प्रायोरिटी है? असल में किट में तो हम लोग ये देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो लोग रमज़ान में मेहनत मशक्क़त करके इतना नहीं कमा सकते जितना कि उनके लिए रमज़ान में ज़रूरी है, तो हम ऐसे लोगों का सर्वे करके उनको देते हैं। और ख़ास तौर से ऐसे घर जहाँ यतीम बच्चे रहते हैं, बेवा ख़वातीन रहती हैं, या कमाने वाले अफराद कम हैं जो इतना कमा नहीं सकते कि रमज़ान के अखराजात को पूरा कर सकें, तो इस तरह की कैटेगरी वाइज लोगों का सर्वे करके उनके घरों में रमज़ान किट पहुँचाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हमारे ऑफिस पर बुला के लोगों की लाइन लगाएँ और शोर हंगामा करें या उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी उसकी करें, बल्कि अभी अगर आप हमारे जो सेंटर हैं चारों, वहाँ का जायज़ा लेंगे तो 80% किट अभी, आज चूँकि रमज़ान कल से शुरू होगा, आज ही हम लोगों ने 80% किट तकसीम कर दी है। बाकी जो 20% है माशाल्लाह कल शाम तक या परसों तक बढ़ जाएगी। तो ये थे हामिद हुसैन सर हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ।